In my previous video, I have discussed about types of suppository bases. In this video, I am going to discuss about methods of preparation of suppositories. There are three methods of preparation of suppositories. First is rolling method, second is hot process or fusion method, third is cold compression method. Rolling method, it is an ancient method of preparing the suppositories. Yeah. सपोजिट्री प्रिपेयर करने का पुराचीन मेथड है. द सपोजिट्री बेस इज रोल्ड एंड देन डिजायर्ड शेप इज गिवन विद द हैंड. इसमें सपोजिट्री बेस को रोल किया जाता है, उसके बाद हाथ से डिजायर्ड शेप दिया जाता है. द मेथड इज नॉट यूज्ड नाउडेज. आजकल इस मेथड का उपयोग नहीं किया जाता. सेकेंड इज हॉट प्रोसेस और फ्यूजन मैथड. This method is commonly used in the preparation of suppositories for dispensing purposes. This method involves following steps. First is thoroughly clean and lubricate the mouth with a suitable lubricant. सबसे पहले suppository mouth को अच्छे से clean करिए. After that उसको lubricate कीजिए lubricant के माध्यम से. यह suppository mouth का image. Keep it on ice in the inverted position to cool and drain an excess of lubricant. उसके बाद सपोजिटरी माउंट को आइस पे सीधा रख दीजिए और ठंडा करिए, ताकि जो एक्सेस ऑफ लुब्रिकेंट है, एक्स्ट्रा मात्रा में लुब्रिकेंट अगर होगा तो वो नीचे आ जाएगा, निथर जाएगा. देन द लुब्रिकेशन ऑफ द माउंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस द इमल्सिफाइंग बेस और सिंथेटिक बेस इज यूज्ड. जब इमल्सिफाइंग बेस या सिंथेटिक बेस यूज़ किया जाएगा एज अ सपोजिटरी बेस, तब आपको लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सपोजिटरी माउंट की. हीट द चाइना डिश ओवर वाटर बाथ टू दिस एट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ कोकोआ बटर और एनी अदर बेस आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मेडिकामिन. तो अब चाइना डिश को वाटर बाथ पे रख दीजिए और हीट कीजिए. देन उसमें आपको जितना अमाउंट में कोकोआ बटर यूज़ करना है वो डाल दीजिए. कोकोआ बटर का क्वांटिटी निकालने का एक तरीका है, कैलकुलेशन का एक तरीका है. उसके लिए आपको सबसे पहले जो मेडिकामेंट्स हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो उसके लिए खैर उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू पे, कि वो कैसे निकाला जाता है, आखिर क्या है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, तो उसको बाद में देखेंगे. देन अलाउंस इज मेड फॉर अनअवॉइडेबल वेस्टेज ड्यूरिंग प्रिपेरेशन बाई कैलकुलेटिंग फॉर टू एक्स्ट्रा सपोजिटरीज. तो दो एक्स्ट्रा सपोजिटरीज के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है. मान लो आपको 8 सपोजिटरी बनाने हैं, तो आप 10 सपोजिटरी के लिए कैलकुलेशन कर लीजिए, ताकि जो अनुपयोगी वेस्टेज होगा, अनुपयोगी अपव्यय होगा, उसका भत्ता दिया जा सके, मतलब कि उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए. क्योंकि जब आप चाइना डिश पे उसको मेल्ट करेंगे, तब कहीं थोड़ा बहुत सपोजिटरी वेस्ट इधर उधर हो जाता है. तो छोटे छोटे एरर्स को अवॉइड करने के पर्पज़ से ही किया जाता है. और जब आप सपोजिटरी माउंट को फुलफिल करेंगे तो आप पूरा ऊपर तक करेंगे, तो थोड़ा बहुत उसमें भी वेस्ट हो जाता है. रिमूव द चाइना डिश फ्रॉम वाटर बाथ व्हेन 2/3 ऑफ द बेस मेल्ट्स एंड स्टीयर थॉरली अंटिल होल ऑफ द मास मेल्ट्स. उसके बाद चाइना डिश को वाटर बाथ से हटा दीजिए. कब? जब 2/3 हिस्सा 2/3 ऑफ द बेस मेल्ट हो जाए, उसके बाद उसको स्टीयर करिए, थॉरली स्टीयर कीजिए. देन जब तक कि पूरा मास मेल्ट ना हो जाए. ये सब इसलिए किया जाता है ताकि सपोजिटरी बेस का ओवर हीटिंग ना हो जाए, वो जल ना जाए. दिस इज़ द इमेज ऑफ सपोजिटरी माउंट एंड दिस इज़ द डायग्राम. यू हैव टू मेक दिस डायग्राम इन योर एग्जाम. Then second is hot process or fusion method. Place the weight quantity of powdered medicaments to be incorporated with the suppository base on an ointment tile. अब मेडिकामेंट को आप वे कर लीजिए पाउडर्ड फॉर्म में, उसके बाद उसे सपोजिटरी बेस के बेस में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए एक ऑइंटमेंट टॉयल के हेल्प से. पोर अबाउट हाफ ऑफ द मेल्टेड बेस ओवर इट. अब मेल्टेड बेस का आधा हिस्सा इस पे डाल दीजिए मेडिकामेंट्स पे. मिक्स इट थॉरली विद अ फ्लेक्सिबल स्पैचुला. ट्रांसफर द मिक्स्ड मास टू द चाइना डिश एंड मिक्स थॉरली सो दैट अ होमोजेनियस मास इज फॉर्म्ड.
अब फ्लेक्सिबल स्पेचुला की मदद से इसे मिक्स कीजिए मेडिकामेंट और सपोजिटरी बीज की मिक्सचर को। आफ्टर दैट इसको चाइना डिश में ट्रांसफ़र कर दीजिए और वहाँ पे थॉरोली मिक्स कीजिए ताकि एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए। वार्म द चाइना डिश ओवर वाटर बाथ फॉर अ फ्यू सेकेंड विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग सो दैट मास बिकम पोरेबल। अब चाइना डिश को वाटर बाथ पे गर्म कीजिए कुछ समय के लिए, जैसे आपने हटा दिया था वाटर बाथ से, अब उसको गर्म कीजिए और कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग कीजिए ताकि एक पोरेबल मास बन सके। पोर द मेल्ट मास इनटू द कैविटीज ऑफ सपोजिटरी माउल्ड। अब इस पोरेबल मेल्टेड मास को आप सपोजिटरी माउल्ड पे भरना शुरू कीजिए, केप्ट ओवर द आइस, और उस सपोजिटरी माउल्ड को आइस के ऊपर रख दीजिए। फिल इच कैविटी टू ओवरफ्लोइंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ हॉलोज इन द टॉप्स ऑफ द फिनिश्ड सपोजिटरीज बिकॉज कोकोआ बटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग एंड हॉलोज आर फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ द सपोजिटरी। आप सपोजिटरी माउल्ड में जो फिलिंग करेंगे उसको ओवरफ्लो होने तक कीजिए, क्योंकि कोकोआ बटर ठंडे होने पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिससे सपोजिटरी माउल्ड में हॉलोज बन जाएंगे, मतलब खाली जगह बच जाएगी और शेप भी छोटा बड़ा हो सकता है। इसलिए ओवरफ्लो तक करेंगे, वो ऊपर तक जमेगा, बाद में आप उसको काट के निकाल सकते हैं। Then the precaution must be taken while pouring the mass into the cavities. It must be continuously stirring to ensure even distribution of the medicaments in all the suppositories. जब आप उसको फिल करेंगे, जब आप सपोजिटरी को के मिक्सचर को फिल करेंगे, मेल्टेड मास को सपोजिटरी माउल्ड में फिल करेंगे, तो आपको उसको कंटिन्यूसली स्टीयर करते रहना है ताकि जो मेडिकामेंट्स हैं वो इवनली बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरी सपोजिटरी में। Remove the excess of mass with the help of sharp knife or blade when the mass is properly set. Extra mass को आप knife या sharp knife या blade से ऊपर को काट लीजिए, बाहर कर दीजिए। जैसे कि सपोजिटरी है तो इसमें अब इसको पूरा ऊपर तक फुलफिल कीजिए, उसके बाद जब बराबर ऊपर से knife से या blade से काट लीजिए ताकि मस्त सेम साइज का सपोजिटरी बनेगा। एंड हीट प्रोसेस में आगे हैं, कीप द माउल्ड ओवर आइस और इन कूल प्लेस फॉर 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट के लिए माउल्ड को ठंडे स्थान पे रखें ताकि जो सपोजिटरी बेस है सपोजिटरीज हैं वो जम सकें। ओपन द माउल्ड एंड रिमूव द सपोजिटरीज। अब माउल्ड को ओपन करें और सपोजिटरीज को हटा लें जब वो ठंडा हो जाए, जम जाए। वाइप ऑफ द सपोजिटरी लाइटली विद अ क्लीन क्लॉथ और फिल्टर पेपर। रैप द इंडिविजुअल सपोजिटरी इन अ वैक्स पेपर। अब हर एक सपोजिटरी को हल्का सा वैप कर लीजिए, थोड़ा सा क्लीन करने कर लीजिए उसका खुरदरापन ताकि ख़त्म हो जाए, फिल्टर पेपर से या साफ सुथरा क्लॉथ से। देन एक एक सपोजिटरी को आप वैक्स पेपर में लपेट दीजिए। थर्ड इज कोल्ड कंप्रेशन मैथड। दैथड इज यूजफुल फॉर दी थर्मोलेबलाइल एंड इनसॉल्यूबल ड्रग्स because heating and stirring of the base with medicament is not required. The steps in mold are as follows. First is cocoa butter is grated. Cocoa butter ko aap grate kar lijiye acche se. The ingredient are mixed with an equal quantity of grated cocoa butter. Ab usme ingredients ko daliye, medicaments ko daliye. Add the remaining amount of grated cocoa butter. While calculating the amount of cocoa butter to be incorporated with the medicaments, allowance are made for unavoidable wastage during the preparation. इसमें भी आपको अगर 8 सपोजिटरी बोला गया है तो आपको 10 के हिसाब से कोकोआ बटर यूज़ करना है। The compression of the prepared mass is done on hand or power operated compression machine. The molds are of different sizes and contain several cavities. The mass and the compression cylinder of the machine may be chill to prevent heat of compression from breaking the mass to fluid. The method is not suitable for suppositories in which glycerin gelatin base or any other base in which melting is essential for its preparation. तो सब glycerin gelatin bases के use होने वाले या other melting bases use होने वाले method के वाले suppositories के preparation में ये unusable है, इसको use नहीं किया जा सकता। This is the image of compression machine, cold compression machine for suppositories.
And this is a diagram. You have to make this diagram in your exam. So this is the end of the video, and here is a quote: you only win when you are not afraid to lose. आप केवल तभी जीत सकते हैं जब आपको हारने का कोई डर ना हो. इसलिए अपने डर को डर पे जीत लाइए, और हारने के डर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और केवल जीत पे फोकस कीजिए. और ये सोच के चलिए कि अगर जीते नहीं तो कम से कम कुछ तो सीखेंगे, और वही सीखते सीखते क्या पता एक दिन जीत जाए. इसलिए आप अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माई वीडियोज़, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.